अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। जो आज मेरे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स फोर्ट नाइन प्ले एक्स 600 CB, लो सिम कार्ड, इसका प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसका बेसबैंड आईसी वर्जन चेक करते हैं, तो बेसबैंड अनोन शो करवा रहा है। ये कस्टमर के सेट है, फर्स्ट टाइम इस सेट को मैंने ही ओपन किया। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये इशू कैसे हल करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को पैनल से निकाल लेते हैं। पैनल से निकालने के बाद इसकी सेफ्टी को रिमूव करते हैं। सेफ्टी रिमूव करने के बाद मदरबोर्ड को बोर्ड कैचर में एडजस्ट करते हैं और इसके बेसमेंट आईसी, इसके बेसमेंट आईसी को उतार लेते हैं। इसमें दो आईसी होते हैं, एक बेसिकली स्पिनर आईसी और दूसरा होता है बेसमेंट आईसी। इसके बेसमेंट आईसी को उतारते हैं। हीट 350 और एयर 4 पर आप अपनी हीट हीट गन के हिसाब से अपनी हीट और एयर के दोनों को एडजस्ट करें। बेसमेंट आईसी उतारने के बाद बोर्ड की सफाई कर लेते हैं। अब एक साथ बोर्ड की सफाई करते हैं। अब डिस्प्ले के साथ बोर्ड की सफाई करते हैं। जो भी पॉइंट में बड़े छोटे होते हैं, इनको एक ही लेवल में लाने के लिए डिस्प्ले यूज करते हैं। आप भी डिस्प्ले यूज करते हैं तो बेस्ट है आप किसी अच्छी कंपनी के डिस्प्ले यूज करें। वो खराब है, इसलिए भी वो बेसमेंट आईसी लगाते हैं। हीट वही 350 और एयर 4 का। प्याज के साथ यूज करेंगे ज़्यादा गिफ्ट के देंगे तो हमारा बोर्ड फूल जाएगा। बेसमेंट आईसी लगाने के बाद कुछ टाइम के लिए बोर्ड को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि गर्म बोर्ड पे जब हम एमपीसी को डालते हैं तो आईसी वगैरह या डायोड वगैरह ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। बेहतर ये कुछ टाइम बोर्ड ठंडा होने के बाद एमपीसी यूज करें या कोई थिनर यूज करें जिससे आप बोर्ड को क्लीन कर सकें। मदर बोर्ड को बोर्ड कहते हैं, इसे निकाल लेते हैं और अपने पैनल में एडजस्ट करके चेक करते हैं हमारा बेसमेंट ओके हुआ है या नहीं हुआ। शुक्रिया।
उतना ही वेट करें जब तक सारा मोबाइल नहीं मिले। आप चेक कर सकते हैं इस टाइम हमारा मोबाइल सिग्नल भी ओके उठा रहा है और जैसे